तो अभी प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए मैं 3 शहरों की यात्रा पर जाऊंगा। अब अहमदाबाद में वो जाइडस कैडिला पार्क में पहुंचेंगे, अभी उनका प्लेन लैंड किया है, उसके बाद वो वहां मौजूद अफसरों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी एक आ रही है कि थर्ड फेज में है वैक्सीन का ट्रायल, और इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आज 3 जगह उन्हें पहुंचना है। सबसे पहला पड़ाव उनका अहमदाबाद का था, उसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे, और फिर शाम के वक्त में उन्हें पुणे जाने का कार्यक्रम है, जहां वो अलग अलग कंपनियों में किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर जो शोध चल रहा है, COVID-19 की वैक्सीन को लेकर जो शोध चल रहा है, उस पर जानकारी जुटाएंगे। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला पार्क जाएंगे, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जनक, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और वो कितनी देर में पहुंचेंगे? बिल्कुल, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हो चुका है, और अभी थोड़ी देर में वहाँ से चॉपर से निकलेंगी, और ये जाइडस के जो बायोटेक पार्क है उससे बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया गया है। तो एयरपोर्ट से यहाँ का जो सफ़र है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट का होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 9:30 पर जो ऑफिशियल प्लान है उसके मुताबिक 9:30 पर जाइडस का जो प्लांट है उसके अंदर उनकी एंट्री है। तो ऐसे में अगले 15 से 20 मिनट में पीएम का कॉन्वॉय यहीं से गुजरेगा और सीधे अंदर जाइडस में जो बायोटेक फार्म है वहाँ पार्क में जाएगा, और वहाँ पर जो जाइडस के CMD है पंकज पटेल, वो उनका स्वागत करेंगे, और पूरा किस तरीके से वैक्सीन बनने की प्रक्रिया रही, उसका ट्रायल रिसर्च, और अगर ये सक्सेसफुल में अगर अनाउंसमेंट जब होती है तो उसका टीका बनाने में कितना वक्त लग सकता है, सिस्टम क्या है, क्या किस तरीके से पूरा मेकनिज़म काम करेगा, उसकी पूरी छोटी सी छोटी बात उनको ब्रीफ की जाएगी। पंकज पटेल CMD जाइडस के, वो उनके साथ होंगे, और तकरीबन 10:30, 1 घंटे का वक्त उन्होंने जाइडस बायोटेक पार्क के लिए दिया है, और वहाँ से पूरा जायकोव डी जो वैक्सीन है उसको देखने के बाद रिसर्च और ट्रायल की स्थिति क्या है, किस चरण में जाएगा और कब उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी वो यहाँ से लेंगे, और उसके बाद यहाँ से अहमदाबाद से वो सीधे हैदराबाद जाएंगे, और हैदराबाद से फिर पुणे जाएंगे। तो ये तरीके का जो शेड्यूल है पीएम का आज के दिन का है, और तीनों इंस्टीट्यूट में जाना और एक आकलन करना, चूँकि हाल ही में उन्होंने अलग अलग राज्यों के